जय श्री राधे कृष्णा। मान्यता के अनुसार एक बार बहुला नाम की एक गाय तालाब से पानी पी रही थी, तभी एक भयंकर बाघ ने हमला कर उसे पकड़ लिया। वो बाघ उस गाय को खाना चाहता था। तभी उस गाय ने उस बाघ से विनती की उसे एक बार उसके घर जाने दे, अपने स्वामी और अपने बच्चे से मिलने दे। गाय ने बाघ को वादा दिया कि वह अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी, तब वह उसे खा सकता है। तो बाघ ने गाय को अनुमति दी। वह ब्राह्मण के घर गई और अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाया। उसने बछड़े और ब्राह्मण को पूरे घटना के बारे में बताया और अपने दिए वादे के बारे में बताया। बछड़ा अपने माँ के साथ जाने की जिद कर बैठा। ब्राह्मण ने कहा, मैं जाऊंगा बाघ के पास, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी गाय ने कहा, मैंने वादा दिया है बाघ को कि मैं वापस आऊंगी, तो मैं जरूर जाऊंगी। ब्राह्मण और बछड़ा दोनों ही नहीं माने। अंत में तीनों बाघ के पास पहुंचे और प्रत्येक ने खुद को बलिदान करने के लिए तैयार किया। उसी समय श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और बाघ का हृदय परिवर्तन किया। श्री कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण अपनी गाय और बछड़े के साथ सुरक्षित घर लौट गया। बहुलावन वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने गाय, बछड़े और ब्राह्मण की रक्षा की थी। वृंदावन के 12 प्रमुख वनों में से एक है बहुलावन। श्री राधा कुंड बहुलावन के भीतर स्थित है। बहुला अष्टमी पर श्री राधा कुंड में स्नान करने की प्रथा है। संकर्षण कुंड के तट पर बहुला मंदिर स्थित है, जहाँ श्री कृष्ण एक बाघ, एक गाय, एक बछड़ा और एक ब्राह्मण की मूर्ति है। पूरे संसार में श्री कृष्ण की गाय के साथ ये एकमात्र मंदिर है। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और यूनिराउंडर को सब्सक्राइब कीजिए।